वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम लोग गए थे गोपालपुर और आज हमारा यहाँ सेकेंड डे है। सो आज हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री, जीरांगा मोनेस्ट्री है जो कि नवरंगपुर से होगा अराउंड 120-130 किलोमीटर। और अभी हम निकले हैं और अभी अंदर हुए हैं तो रास्ता भटक गए थे, सो बहुत लेट हो गए। तो मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ कैसा रोड है। अबे पास आ जाइए रोड पे, इधर देखो। अबे बढ़िया है ये सनरूफ टा खोली, हाथ टा काढ़ी गोप्रो टा करी मजा आ जाइए। अबे हां रिस्की रहो। क्रॉस देखे आप, वो हमारा इधर से गजपति है, गजपति डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। और पहले हम गंजाम में थे तो अभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हम क्रॉस किए। और बहुत ही मस्त रोड है। रोहित कहाँ रखा हो? यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। खतरनाक रोड है, बट रोड का जो रोड अच्छा है, बट थोड़ा बहुत घाटी का रोड है, चलेगा। बट एंजॉय बहुत हो रहा है। ये देखो तो एरिया है कैसा। तो गाइस अभी हम एक मोनेस्ट्री के पास आके पहुँचे हैं। इधर कई सारे मोनेस्ट्री है। कौन कौन फोन ना आईफोन आगर पे। सो ऐसे कई सारे मोनेस्ट्री है, ये एक छोटा सा मोनेस्ट्री है। सो इधर आए हैं, अब आगे और भी जाएंगे। এপড় কইলুনি বসা হউনি 8:30টা কইলে 8:30টা বসা হউজু না। আরে আমি পৌঁছলা বসে ছাড়ি দাও না। ঠিক আছে 8:30টা 10 কিলোমিটার না কেতে। তো কনফিউশন চলে, তো চলি আবি পেলে মনিস্ট্রি কে अंदर चलते हैं। चला टाइम वेस्ट करन, चला 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 टाइम वेस्ट करो। चलो लोग अभी एंट्री में। सो अभी ये देखो मनिस्ट्री। चल 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 तू वाला तो टाइम प्लीज। से रोहित कर दे संस्था रे तंगो का कोडे का कर देबे से करते नै है ना। नेवा नेवा ये देखो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हम लोग सब आए हैं, टाइम नहीं है एक्चुअली बहुत सारा जगह कवर करने, हमको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है इधर। और सबसे बढ़िया बात ये है कि बहुत ही अच्छा लोकेशन पे है ये। सो अभी हम रुके हैं एक मोनेस्ट्री जो आपको दिखाया है। और अभी तक हाँ सुबह से मेरे को खाया नहीं था, तो एक छोटा सा दुकान है इधर जहाँ पे हम थोड़ा आमलेट खाएंगे और चाउमीन खाएंगे। इधर एक चाउमीन बनता है पता नहीं टेस्ट। अकमल आमलेट का टेस्ट कैसे अच्छी? आमलेट इज़ गुड। और इधर हम सब गप्पे वप्पे मार रहे हैं बैठ के सब इधर। अच्छा कैसा लग रहा है? आई हैड अ गुड डे।
हाँ, और अशोक का पैर खराब हो गया, कल गिर गया था, दिखाओ क्या है तुम्हारा पैर, दिखाओ क्या हुआ है, दिखाओ क्या हुआ है पैर। अरे वो सब होता ही रहता है, बट ठीक है, छोटा छोटा चीज होता रहता है, बड़े बड़े जगहों पे छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ तो उसके बाद हमारा प्लान है डायरेक्टली निकल जाएंगे चिलिका, चिलिका ढाबा जाएंगे, और वो जो दूसरा मोनेस्ट्री है वो जाना है कि नहीं जाना है, इसमें जाएंगे 5 मिनट बस फोटो वोटो। हाँ और एक मोनेस्ट्री है आगे अच्छा वाला, वो एक्चुअली मेन मोनेस्ट्री है, वो जिरंग का जो मैंने उस तरफ ही है, उस तरफ साइड में है, इधर पास नहीं थोड़ा आगे है वो मेन मिनिस्ट्री है, ये थोड़ा साइड वाला छोटा सा जगह था, तो अभी उसके बाद उधर जाएंगे और उसके बाद फिर वापस जाएंगे चिलिका। तो चलो पहले चाउमीन और आमलेट आने दो, फिर मैं दिखाता हूँ। ओके सर, चाउमीन आ गया हमारा, बढ़िया है मन बुझे किंतु चलो यही टाइम रे जहां मिलजो खेदो। हां मला ये चमे ना करला। हां सो अभी हम आए हैं जो बोला था आपको दूसरा मोनेस्ट्री, सो इधर चलने के बाद आ गए हैं, सो लेट्स गो एंड चेक हाउ इट इज। हाँ तो ये है मोनेस्ट्री, बहुत ही अच्छा जगह है, पीसफुल जगह है, और अभी बारिश भी हो रहा है। तो वही अभी वापस जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे, अगर टाइम होगा तो तप तपानी होके जाएंगे देखेंगे, नहीं तो फिर अभी डायरेक्टली हम चलेंगे चिलिका ढाबा, और चिलिका ढाबा में डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद फिर वापस भुवनेश्वर। तो चिलिका इधर से होगा अराउंड हम लोगों का 157 किलोमीटर दिखा रहा है चिलिका ढाबा, सो 157 का, और 3 आवर लगेगा, 3.5 आवर लगेगा जो दिखा रहा है इधर, 4 घंटा लगेगा इधर से। सो अभी इवनिंग भी हो रहा है, अभी अंधेरा हो जाएगा, और हम लोगों को ये घाटी रास्ता अभी क्रॉस करना है उससे पहले, अंधेरा होने से पहले। तो चलिए आगे चलते हैं, अगर होगा तो मैं चिलिका ढाबा में ब्लॉग बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो में इधर ही एंड कर दूंगा। चलो